और दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत करते दोस्तों, ये रही मेरी मलाई। आज मैं घर के मलाई का घी बनाऊंगी, आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊंगी। ये रहा मेरा एक कप में घर का मलाई। दोस्तों देखिए कैसे बनाती हूँ मैं घी घर का। आप लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर। तो दोस्तों मैंने मलाई इस तरह से मिक्सी में खाली कर दी। अब इसको मैं जार में पीसूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इस तरह से मलाई मिक्सी में पीसूंगी मैं। तो दोस्तों इस तरह से मिक्सी में पीस देंगे मलाई को, थोड़ा टाइम नहीं लगता इसमें ज़्यादा। इस तरह से पीस देंगे, इसमें डाल दिया मैंने। तो दोस्तों देखते हैं मेरी मलाई 5 मिनट में तैयार हो गई है। अब इसको हम खाली करेंगे। देखो कितना अच्छी मलाई बनी है, मक्खन बहुत अच्छा बना है। फिर आप लोगों को मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगी, घी बनाने कैसे बनाऊंगी घी भी दिखाऊंगी। और दोस्तों कौन सा दूध यूज करती हूँ मैं, अमूल दूध, बहुत अच्छा दूध है और घी भी बहुत अच्छा बनता है अमूल दूध का, आप लोग भी ट्राई करें। तो दोस्तों मैं साथ में मसाला भी बनाऊंगी, सब्जी मसाला। ये रहा मेरा खड़ा धनिया और इसमें मैं जीरा भी डाला है। थोड़ा सा मैंने गरम कर दिया, मतलब फ्राई कर दिया 5 मिनट, अच्छी खुशबू आती है। आप लोग कौन सा मसाला बनाते हो घर पे ज़रूर बताना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला मसाला तैयार हो गया। देखो बहुत अच्छा मसाला बनता और खुशबू भी आती है और सब्जी भी स्वादिष्ट होती है, आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर। तो दोस्तों मैंने मलाई इस तरह से कढ़ाई में खाली कर दी है। अब इसका छांस मैं डॉग को दूंगी। एक छोटा सा डॉग भी पाल रखा हमने, मतलब स्ट्रीट डॉग है, कहीं रोड में पैदा हुआ था तो हमने उसको छोटा सा पाला, और ये छांस उसको दे देंगे। दोस्तों देखो इतना मक्खन बना मेरा, ये बनता है 1 हफ्ते का। और ये मेरा छांस है, इसको मैं डॉग को दे दूँगी, वो आराम से पी लेता डॉग। और दोस्तों मैं ये भी दिखाऊंगी बारिश में मेरा डॉग कहाँ रहता है। देखो इसके अंदर इधर है, देख सकते हैं आप, ये रहा। देती हूँ वो आ जाएगा, ला पीले पीले। देखो कितने अच्छे से पीता है, दोस्तों बारिश में इस तरह से स्कूटी के नीचे रहता वो। ऊपर में मैंने पन्नी रखी है तो बारिश नहीं जाती है। और ये थाली में वो खाना खाता है, अभी पानी डाला है और उसमें छांस पीता है, देखो कितने प्यार से पी रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा घी बन रहा है, हल्की आंच में बनाया मैंने, अब ये बन रहा है। आप लास्ट तक देखते रहना कैसे बनता है दानेदार घी। और इसमें लास्ट में क्या डालती हूँ मैं, आप देखते रहना दानेदार वाला घी। दोस्तों इस तरह से पकाना है इसको, फिर इसमें डाल देना है थोड़े से पानी के छींटे इस तरह से, फिर ये दानेदार घी बनता, बहुत अच्छा घी बनता है। तो दोस्तों इस तरह से पकाना है इसको, जब तक ये इसमें मतलब गाज नहीं आता, फिर इसमें डाल देना थोड़े से पानी के छींटे इस तरह से, फिर ये दानेदार बनता। दोस्तों ये पहले का घी है मेरा 1 हफ्ते का, देखो आप लोग देख सकते हैं दानेदार वाला ऐसे घी। और आज का घी फिर मैं इसमें डालूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों ये रहा मेरा पहले का घी 1 हफ्ते का, 1 पाव से ज़्यादा है और दानेदार इस तरह से बनता है। आप लोगों को मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से घर पे घी बना सकते हैं। और बिल्कुल दानेदार है ये, आप लोग देख सकते हैं। आज का घी मैं अब डालूंगी इसमें। और वीडियो अच्छी लगी कि तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैंने इस तरह से डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप, नीचे नीचे का ये सब ये रहा, इसको हम फेंक देंगे। और देख सकते हैं आप इतना घी हो गया मेरा 2 हफ्ते का।